अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस सबक में खेलों के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम एक और खेल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंचों का खेल, जिसको हमारे हिंदुस्तान और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत अच्छी तरीके से खेला जाता है और सब लोगों को पता है कि ये क्या होता है ना। इसमें कंचे होते हैं, हर एक खिलाड़ी अपनी तरफ से कंचे लेते हैं और उस कंचों को एक जगह जमा करके, जैसा कि दायरे में आपको दिखाया जा रहा है, दायरे में आप देख सकते हैं कि एक दायरा बना हुआ है और दायरे में सबके मिलाकर कंचे रखे हुए हैं। हर एक खिलाड़ी के 2, 4 या 6 कंचे मिला के रखे हुए हैं और दायरे से थोड़ी दूरी पर एक लाइन बनी है, वो लाइन के पीछे खड़े रह के आपको कंचे उड़ाना है। इस तरीके से इस खेल को खेला जाता है। जिसने उस कंचे, बड़े कंचे को जो दायरे के बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है और कंचों के बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, उसको यहाँ से जिसने उड़ा दिया, समझो सारे कंचे उसके हो गए। यही इस खेल का तरीका है। तो आइए हम सब लोग मिल के इस खेल को खेलते हैं और हर एक के नंबर डाले हुए हैं, आपको नंबर के हिसाब से एक एक करके आना है। सो इस तरीके से आप सबके समझ में आया बच्चों कैसे खेलना है। हमने नंबर डाल दिया है, अब आपको उस तरीके से खेलना है, ठीक है। चलो, कौशिन का पहला नंबर है, एक बार आपको एक बार चांस मिलेगा कौशिन। हाँ चलो कौशिन, नहीं हुआ। चलो दूसरा नंबर कौन है, चलो इनका भी नहीं हुआ, चलो आ जाओ इधर। तीसरा नंबर किसका है, चल थोड़ा ऐसा ऐसा उसको नेम लगाओ पहले, ऐसा देखो कि सही लग रहा है कि नहीं। गोटी उठा में जाके। इनका भी नहीं लगा। अरे चलो अब देखते हैं कि नमरा का लगता है क्या। अरे नहीं लगा। चलो अब बच्चों का नहीं लगा, देखते हैं मुझसे भी हो सकता है क्या। बच्चों टालियां बजाना सब मिलके, ठीक है।